नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज की इस वीडियो में मैं आपके लेके आया हूं बहुत सारे कंप्यूटर कोर्सेज जो कि होंगे बिल्कुल फ्री और इनका सर्टिफिकेट भी आपको फ्री में मिलेगा। और अगर आप इन्हीं कोर्सेज को कहीं ऑफलाइन जाके पढ़ते हैं और सीखते हैं तो इसकी जो फीस होगी वह बहुत ही ज़्यादा होगी। और इन कोर्सेज को करने के बाद आपको किसी भी अच्छी कंपनी में बड़े ही आसानी से नौकरी मिल पाएगी। तो चलिए सीख लेते हैं उन सभी कोर्सेज को जिसके माध्यम से आपको कंपनी में अच्छी जॉब मिलने वाली है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वह भी कंप्यूटर कोर्स करके अपने फ्यूचर में आगे बढ़ पाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, फ्री में कंप्यूटर कोर्स करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में आना है और सर्च करना है STP कंप्यूटर एजुकेशन को, ठीक है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस तरीके से पहली वेबसाइट आपको मिल जाएगी STP कंप्यूटर एजुकेशन की, ठीक है। सिंपली आपको इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करेंगे देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो रहे हैं काफ़ी सारे फ्री में कंप्यूटर कोर्सेज, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, यहाँ पर देखिए इसकी फ़ीस दी गई है, लेकिन मैं इसके बारे में भी आपको बताऊँगा कि आप इसे भी कैसे फ्री में कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम फ्री कोर्सेज की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है ना अवर फ्री कोर्सेज, देख लीजिए यहाँ पे है बेसिक कंप्यूटर का कोर्स, टेली ERP 9 का, टेली प्राइम का कोर्स है, HTML का कोर्स है, यहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्सेज। देखिए लोड मोर कोर्सेज पे लिखा है ना, इस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज देखने को मिलेंगे। देखिए आ गया यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर कोर्स आ गया है, टेली ERP 9 है, एडवांस एक्सेल का भी देख लीजिए कोर्स है, टेली प्राइम का कोर्स है और HTML का भी कोर्स है। तो यहाँ पे अभी 5 कोर्स हैं, बाकी अभी और भी कोर्स यहाँ पे आ सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। फिलहाल मेरे को भी खबर मिली है कि यहाँ पे फोटोशॉप का जो कोर्स है वह भी यहाँ पे बहुत जल्द ही आने वाला है। और यहाँ पे आप इन कोर्सेज़ में एक ख़ास बात देखिए, इनकी जो फीस है वह देख लीजिए ज़ीरो हो रखी है, मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके कोर्सेज़ हैं। तो आपको जिस कोर्स में एडमिशन लेना है उसमें आपको क्लिक करना होगा। जैसे कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर कोर्स में एडमिशन लेना, तो सिंपली आपको बेसिक कंप्यूटर कोर्स पे क्लिक करना होगा या फिर ये कोर्स डिटेल पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही इस कोर्स की जो पूरी डिटेल है वह आपके सामने ओपन हो जाएगी। देखिए लिखा ना अबाउट बेसिक कंप्यूटर कोर्स, मतलब यहाँ पर ये आपको बताया गया है कि बेसिक कंप्यूटर कोर्स में आप क्या क्या सीखने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंस्टॉलिंग एंड अनइंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिल जाएंगी। यहाँ हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ देख लीजिए इसका ड्यूरेशन लिखा है, जो बेसिक कंप्यूटर कोर्स होगा आपका वे कितने मंथ का होगा, 3 मंथ्स का होगा। फीस यहाँ देख लीजिए, फीस से 0 लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ नीचे लिखा है एनरोल नाउ, अगर आपको एनरोल करना है तो सिंपली इस बटन पे क्लिक करना होगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखिए एक लाइन ये भी लिखी है कि अगर आप कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो एडमिशन लेने से पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी जा कर के आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो सबसे पहला काम आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके रजिस्टर कर लीजिएगा, ठीक है। कैसे होगा मैं बता देता हूँ। मैंने क्लिक किया रजिस्टर नाउ पे, तो देखिए कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी रजिस्टर विद अस की, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना नाम लिख लेना है, स्टूडेंट नेम, नीचे यहाँ पे फादर्स नेम अपना लिख लेना है या हस्बैंड नेम है तो वो लिख लेना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन चूज़ कर लेनी है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आप 8th पास हैं, 10th पास हैं, 12th पास हैं या फिर ग्रेजुएट हैं, तो जो भी आपको चूज़ करना होगा चूज़ कर लेंगे। देन उसके बाद आपको यहाँ पे देख लीजिए ईमेल आईडी फिल करनी होगी, और यहाँ पे आपको एकदम सही ईमेल आईडी फिल करनी है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आता है, तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल आउट कर लेना है। और यहाँ पे देखिए क्रिएट न्यू पासवर्ड लिखा हुआ है ना, तो सिंपली आपको यहाँ पे एक अपना कोई भी एक छोटा सा पासवर्ड, 6 से 7 या 8 अंक का पासवर्ड आपको यहाँ पर क्रिएट करके डाल लेना है, ठीक है। और इस पासवर्ड को और अपनी इस ईमेल आईडी को आपको याद रखना है, क्योंकि हमें रजिस्टर करने के बाद लॉगिन इस ईमेल और इस पासवर्ड से ही करना होगा, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आपको डाल देनी है। यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन आया हुआ है रेफरल ईमेल आईडी,
ठीक है, तो मैं इस पे ओवर करता हूँ, तो देखिए क्या लिखा है। रेफरल ईमेल आईडी में एसटीपी कंप्यूटर के बारे में बताने वाले की ईमेल आईडी दर्ज करें, इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में भी आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। फिलहाल आप अभी इसे एम्प्टी खाली छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं अभी आपको इसे फिल करने की। बस इतनी ही डिटेल आपने फिल करनी है, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, क्वालिफिकेशन, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एक पासवर्ड। ठीक है, इतना करने के बाद आपको रजिस्टर नाउ के बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपने यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स हैं वह सब डिटेल को यहाँ पे मैं फिल आउट कर लेता हूँ। सो यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सारी डिटेल जो भी थी मेरी, मैंने उसे फिल आउट कर लिया है। सिंपली अब क्या करना है, रजिस्टर नाउ के बटन पे अब मुझे क्लिक करना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए मैंने क्लिक किया, प्लीज़ वेट, अभी मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है। और यहाँ देखिए एक मैसेज आया, प्लीज़ चेक आउट योर ईमेल फॉर वेरिफिकेशन कोड। सो रजिस्टर के बटन पे क्लिक करते ही हमारे पास इसने बोला है कि आपका वेरिफिकेशन कोड आपके ईमेल पे भेज दिया गया है, कृपया अपना ईमेल चेक करें। जो अभी पहले ग्रीन कलर में मैसेज आया था वह भी यही मैसेज था, लिखा था ना काइंडली चेक आउट योर ईमेल फॉर वेरिफिकेशन कोड। तो अब यहाँ पे आपसे एक वेरिफिकेशन कोड मांगा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपना ईमेल चेक करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, ईमेल चेक कर लेता हूँ, ये रहा मेरा जीमेल, इस पर क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर ही मेरे पास ये मेल आया हुआ है एसटीपी कंप्यूटर एजुकेशन का, देख लीजिए एसटीपी ईमेल वेरिफिकेशन। सिंपली क्लिक करके ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए वेरिफिकेशन कोड मेरे पास आया हुआ है। देखिए ये रहा वेरिफिकेशन कोड 511412। ठीक है, मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसे राइट क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ और इस कोड को यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड में इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ या फिर एंटर कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही मैं वेरीफाई नाउ पे क्लिक करूँगा, वैसे ही हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए प्लीज़ वेट, वी आर चेकिंग रजिस्ट्रेशन सक्सेस, आ गया मैसेज रजिस्ट्रेशन सक्सेस का। उसके बाद देखिए क्या होगा, आपसे बोला जाएगा लॉगिन करने के लिए। ठीक है, तो जो ईमेल आईडी आपने रजिस्टर करते वक्त डाली थी और जो पासवर्ड आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त डाला था, वह ईमेल आईडी और पासवर्ड आप यहाँ पर डाल के लॉगिन नाउ के बटन पर क्लिक कर लीजिए। सो देखिए मैंने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दिया है, जिससे कि मैंने अभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया था। उसके बाद अब मैं यहाँ पे लॉगिन नाउ के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरा जो प्रोफाइल है वह पूरा ओपन हो गया है। यहाँ पे जो डिटेल्स हैं वो आपको थोड़ी सी ब्लर दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि थोड़ा सा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से यहाँ पे एक्चुअली सब डिटेल आ जाएगी आपकी। सबसे पहले आपका नाम आ जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, आपका फादर्स नेम, आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी, वह सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब जब आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे की तरफ, तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे एक मैसेज मिलेगा एनरोल्ड कोर्सेज का। और यहाँ पे देखिए क्या मैसेज आपको दिख रहा है, आपने किसी भी कोर्स में एडमिशन नहीं लिया है। ठीक है, और नीचे बटन मिल गया टेक एडमिशन नाउ का। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे एडमिशन करने का जो ऑप्शन है वह सक्सेसफुली मिल चुका है और अब हम यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं और सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है, तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ टेक एडमिशन नाउ पे, तो देखते हैं ये हमें कहाँ पे लेके जाता है। तो देखिए यहीं वहीं पे आ गया फ्री कंप्यूटर कोर्सेज वाले पे, जहाँ पे सारे कोर्सेज यहाँ पे हमने देखे थे। तो मेरे को करना था कौन सा, बेसिक कंप्यूटर कोर्स। तो सिंपली मैं कोर्स डिटेल पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे याद है जब हम नीचे आए थे तो हमारे पास दो और यहाँ नीचे ऑप्शन मिले थे, लॉगिन का और रजिस्ट्रेशन का, लेकिन अब देखो वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो बस हमारे पास एक ही ऑप्शन आ रहा है, स्टार्ट बेसिक कंप्यूटर कोर्स इन हिंदी का। ठीक है, तो सिंपली इस पर क्लिक करते ही क्या होगा, आपका जो एडमिशन है वह हो जाएगा। तो देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, देखिए आ गया यहाँ पे एडमिशन सक्सेस। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे वीडियोस ओपन हो गई हैं बेसिक कंप्यूटर कोर्स की। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए साइड में मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ देखिए लिखा है ना ऑल वीडियोज लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेसिक कंप्यूटर के अंदर ये 7 यूनिट्स दी गई हैं, हर एक यूनिट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। देखिए जैसे कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में देखिए 1 2 3 4 वीडियो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो जो वीडियो आपको प्ले करना है सिंपली उस वीडियो पे आप क्लिक कीजिएगा, वो वीडियो देखिए यहाँ पे आपको प्ले होके मिल जाएगा। देखिए आगे ना चैप्टर नंबर 2, सिंपली क्लिक कीजिएगा यहाँ पे प्ले हो जाएगा वीडियो। ठीक है, और रहेगी बात नोट्स की, तो मैं आपको नोट्स के बारे में बता देता हूँ। यहाँ नीचे देखिए वीडियो डिस्क्रिप्शन आपको दिखाई दे रहा है, सिंपली इस पर क्लिक कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे आ गया नोट्स डाउनलोडिंग लिंक। सिंपली डाउनलोड नोट्स पे मैं क्लिक करता हूँ, तो देखिएगा यहाँ पे क्या होगा,
जो नोट्स है वह ओपन हो जाएगा। ये देखिए उसी चैप्टर के, देखिए चैप्टर नंबर 2 हमने ओपन किया था, व्हाट इज़ इनपुट एंड आउटपुट वाला चैप्टर था। देखिए नोट्स यहाँ पे मिल गए, आप यहाँ से नेक्स्ट करके नोट्स भी देख सकते हैं और साथ ही साथ इस नोट्स को नीचे डाउनलोड नोट्स पर क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं करके भी दिखा देता हूँ। डाउनलोड पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर नीचे डाउनलोड हो गया, ठीक है। इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए ये ओपन भी हो गया, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से आप यहाँ पे वीडियो देखेंगे और उस वीडियो के नोट्स को आप कैसे डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो अभी जब यहाँ पे आपको नोट्स दिखाई देगा ना, तो साइड में जितनी भी चीज़ें दिख रही है ना, ये यूनिट्स, इन सभी में आपको फिर नोट्स ही मिलने वाले हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के देखिए सारे नोट्स मिल रहे हैं, ठीक है। और अगर वीडियो पर जाना है तो वापस से बैक करके चले जाइएगा, या फिर ये ऑल कोर्सेज देख रहे हैं ऊपर मेन्यू, इसमें जाएंगे और वही कोर्स डिटेल पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद वही स्टार्ट बेसिक कंप्यूटर कोर्स इन हिंदी पे क्लिक कर देना है। इस बार आपका एडमिशन सक्सेस का मैसेज नहीं आएगा क्योंकि आप पहले से ही एडमिशन ले चुके हैं, इस वजह से वहाँ पे आपको मैसेज मिला वॉच वीडियोस का, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए आपको सबकी यहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगी। बस जो भी आपको नोट्स चाहिए होंगे तो वो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि आप पढ़ाई किस तरीके से करेंगे जिस कोर्स में आपने एडमिशन लिया है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको लिए चलता हूँ आपकी प्रोफाइल पे। देखिए यहाँ पे आपको ऊपर एक मेन्यू मिल रहा होगा प्रोफाइल का, ठीक है। और मैं फ़ोन वाले बच्चों के लिए बता दूँ कि जो ये मेन्यू आप यहाँ पे कंप्यूटर में इस तरीके से देख रहे हैं ना, वह फ़ोन में वह कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। देख लीजिए सिंपली यहाँ पे 3 लाइन्स दिख रही हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो सारे के सारे जो मेन्यू है वो यहाँ पे आपको फ़ोन में दिखाई देने वाले हैं, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया आपको कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। अब सिंपली आपको करना क्या, ये प्रोफाइल देख रहे हैं इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही आप अपनी प्रोफाइल में आ जाएंगे और आपने जिन कोर्स में एडमिशन लिया होगा वह कोर्स आपको यहाँ आपकी प्रोफाइल में दिखाई दे जाएगा। जो यहाँ देखिए एनरोल्ड कोर्सेज के अंदर, यहाँ पे मैंने अभी बेसिक कंप्यूटर कोर्स में एडमिशन लिया था तो देखिए मेरे को यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर कोर्स दिख रहा है, ठीक है। साथ ही साथ देखिए मेरे को एक एग्ज़ाम डेट भी मिल गई है कि मेरा जो एग्ज़ाम होगा वह कितने तारीख को होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 5 जुलाई 2022 को मेरा यहाँ पे एग्ज़ाम मेरे को शो कर रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए मैंने आज एडमिशन लिया है और आज तारीख है 6 अप्रैल, तो 6 अप्रैल को मैंने एडमिशन लिया है तो देखिए 5 जुलाई 2022 में ही मेरा यहाँ पे एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अब ये एग्ज़ाम जो बटन देखते हैं ना नीचे स्टार्ट एग्ज़ाम, सिंपली आप इसी पे क्लिक करके अपना एग्ज़ाम भी स्टार्ट कर सकोगे कितने तारीख को, जो आपकी एग्ज़ाम डेट आपको मिली होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे एक चीज़ और करते हैं, मैं आपको बता दूँ, जैसे कि वो ये सोचते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर में एडमिशन ले लिया है तो क्या मैं एक साथ 2 या 3 कोर्स कर सकता हूँ, क्या मैं एक साथ 2 या 3 कोर्स में एक ही साथ एडमिशन ले सकता हूँ? तो मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा नहीं, आप 2-3 कोर्स में एक साथ एडमिशन नहीं ले पाएंगे। सबसे पहले आपको एक कोर्स कंप्लीट करना होगा तब जाकर के ही आप दूसरे कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे। जैसे कि मैं आपको दूसरे कोर्स में एक बार एडमिशन लेके दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ऑल कोर्सेज लिखा है, सिंपली मैं इस ऑल कोर्सेज में चला जाता हूँ और मैं टैली प्राइम का जो कोर्स है इसमें एडमिशन लेने की एक बार कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो देखिए आ गया यहाँ पे स्टार्ट टैली प्राइम कोर्स इन हिंदी, सिंपली इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा आ गया, कंप्लीट योर रनिंग कोर्स आफ्टर टेकिंग एडमिशन, ठीक है। तो इस तरीके का मैसेज आपको मिल जाएगा कि आप पहले जो कोर्स आपने लिया है पहले उस कोर्स को कंप्लीट कीजिए, देन उसके बाद जा कर के ही आप दूसरे कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे, ठीक है। अब रह गई सर्टिफिकेट की बात, सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा ज़रा उसको भी जान लीजिए। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको एग्ज़ाम देने के बाद ही मिलने वाला है। तो अभी तो मैं यहाँ पे स्टार्ट एग्ज़ाम पे क्लिक नहीं कर पाऊँगा और ना ही आपको यहाँ पे एग्ज़ाम स्टार्ट करके इस वाले में दिखा पाऊँगा, लेकिन मेरे भाई ने क्या किया है, पहले से ही बेसिक कंप्यूटर कोर्स में एडमिशन ले रखा है तो मैं उसका यहाँ पे अकाउंट ओपन करूँगा और उससे आपको एक एग्ज़ाम दे करके दिखाऊँगा और साथ ही सर्टिफिकेट भी डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ, यहाँ से इसे मैं लॉगआउट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे फिर से लॉगिन कर लेता हूँ अपने भाई के अकाउंट से। तो देखिए मैंने लॉगिन पे क्लिक किया यहाँ पे और यहाँ पे मैं उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। सो सिंपली देखिए मैंने ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दिया है, लॉगिन नाउ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देखिए उसकी जो प्रोफाइल है वह यहाँ पे ओपन हो चुकी है, ठीक है। और जो इसने एडमिशन लिया था
वह लिया था 6 जनवरी 2022 में। मतलब कि क्या हुआ यहाँ पे, उनको जो है 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और आज की डेट में ही उसका एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे देख लीजिए जो एनरोल्ड कोर्सेज़ है, मैं नीचे ले चलता हूँ आपको। सो यहाँ देखिए एनरोल्ड कोर्सेज़ के अंदर जो बेसिक कंप्यूटर में उसने एडमिशन ले रखा था उसका जो एग्ज़ाम डेट है वह आज का ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको स्टार्ट एग्ज़ाम के बटन पे क्लिक करके दिखाता हूँ और सिंपली एग्ज़ाम किस तरीके से देना है मैं वो भी बताऊँगा और सबमिट वगैरह कैसा होगा सब कुछ, ठीक है। तो सिंपली स्टार्ट एग्ज़ाम के बटन पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और एग्ज़ाम स्टार्ट कर दिया। सो यहाँ देखिए एग्ज़ाम तो स्टार्ट हो चुका है। सबसे ऊपर देखिए यहाँ पे आपकी टाइमिंग चल रही है, यहाँ पे आपको जो एग्ज़ाम का टाइमिंग मिलता है वो पूरा 1 घंटे का मिलता है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए नीचे आपको आपकी जो डिटेल्स हैं वह सब दिखेंगी। यहाँ पे आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर, कोर्स का नाम, कब आपने एडमिशन लिया था और कितने तारीख आपकी एग्ज़ाम डेट है, वह सारी जो डिटेल्स हैं वह आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। शायद ब्लर होगी, अभी मैंने ब्लर कर रखी है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। बाकी सारी जो डिटेल होगी वह आपकी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। नीचे यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक क्वेश्चन। ये देखिए एमसीक्यू टाइप के ही क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, तो जो ऑप्शन आपको इसमें से सही लगे उसको आपको यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। और इस तरीके से यहाँ पे पूरे के पूरे टोटल 50 क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इन 50 क्वेश्चंस को सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ और फिर जब मैं सबमिट करने वाला होऊंगा तब मैं आपको वहाँ पे दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने इस एग्ज़ाम को, जितने भी क्वेश्चंस थे उन सभी क्वेश्चंस को मैंने एमसीक्यू में सेलेक्ट कर लिया है, मतलब एमसीक्यू में जो आंसर्स थे उनको सेलेक्ट कर लिया है। और अब मेरे को यहाँ पे देखिए नीचे दिख रहा है सबमिट योर एग्ज़ाम का बटन, आप देख पा रहे हैं। सिंपली इस बटन पे मुझे क्लिक करके एग्ज़ाम सबमिट करना होगा, ठीक है। तो देखिए मैं जैसे ही सबमिट करूँगा तो क्या होता है, ठीक है। तो देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, देखिए सबमिटिंग चेकिंग आंसर्स आ गया और देखिए मेरे पास यहाँ पर प्रोफाइल ओपन हो गई है फिर से, ठीक है। अब प्रोफाइल ओपन होने का मतलब क्या है जरा वो देखिए, स्क्रॉल डाउन कीजिए जरा यहाँ पे नीचे एनरोल्ड कोर्सेज के अंदर। देखिए अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है योर मार्क्स। देखते हैं यहाँ पे पहले क्या आया हुआ था आपके पास, एग्ज़ाम डेट, लेकिन अब यहाँ पे मार्क्स दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे देखिए जो मेरे मार्क्स आए हैं 50 में से 47 जो मार्क्स हैं वह मैंने यहाँ पे अचीव किए हैं। और यहाँ पे देखिए डाउनलोड सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन आप देख रहे हैं वह आपको यहाँ पे मिल चुका है, सिंपली इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए मैं सिंपली क्लिक करता हूँ इसके ऊपर। सो यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट्स, जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे मेरे सामने ओपन होके आ चुका है। बेसिक कंप्यूटर कोर्स का मैंने कोर्स लिया था, तो देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है बेसिक कंप्यूटर कोर्स। बाकी यहाँ आपका नाम, सर्टिफिकेट नंबर, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर और ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आप चाहें तो इस सर्टिफिकेट को वेरीफाई वगैरह वो भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, क्योंकि मेन्यू दिया ही हुआ है हमने सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का, वहाँ जाके सर्टिफिकेट नंबर और स्टूडेंट नंबर डालेंगे, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो आपकी सारी डिटेल, आपके कोर्स की डिटेल आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सिंपली डाउनलोड करने के लिए सिंपली ये देखिए डाउनलोड बटन ये दिख रहा है, सिंपली क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। फ़ोन में तो उसी पे क्लिक करेंगे तो आपका सीधा डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब मैं जब बैक आता हूँ वापस से तो यहाँ पे देख लीजिए आ गया प्रोफाइल के अंदर। और यहाँ पे देख लीजिए सिंपली सब कुछ आपको मैंने आपको दिखा दिया है कि किस तरीके से आप कंप्यूटर कोर्स कर पाएंगे और किस तरीके से आप इसका जो सर्टिफिकेट है वह ले पाएंगे, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब अगर आप चाहते हैं कि दूसरे कोर्स में एडमिशन लेना तो अब आप यहाँ पे दूसरे कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब दूसरे कोर्स में भी आपको एडमिशन लेके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये कोर्स मैंने कंप्लीट कर लिया है, ऑल कोर्सेज में जाता हूँ और अब मुझे करना है यहाँ पे टेलीप्राइम का कोर्स। तो देखिए कोर्स डिटेल पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं स्टार्ट टेलीप्राइम इन हिंदी पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए अब मैंने क्लिक किया, देखिए आ गया एडमिशन सक्सेस। और यहाँ पे टेलीप्राइम की वैसे ही जो वीडियोस थी वो यहाँ पे ओपन हो गई और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में जो भी नोट्स वगैरह होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और कितने कोर्स में आपने एडमिशन लिया है ये कैसे देखेंगे, सिंपली प्रोफाइल ओपन करेंगे और इसी के अंदर आपको ये देखिए फिर से दिख जाएगा टेली प्राइम का, देखिए हमने अभी एडमिशन लिया है। तो यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम की जो डेट है वो आपको मिल गई, स्टार्ट एग्ज़ाम मिल गया। तो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे इस वीडियो के अंदर बता दिया है, रजिस्ट्रेशन से लेकर के सर्टिफिकेशन तक सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। और मैं आपको बता दूं, जो भी आपको यहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा वह प्राइवेट में और गवर्नमेंट में दोनों जगह वैलिड होगा,
ठीक है, पहले नहीं था गवर्नमेंट पे वैलिड, लेकिन अब ये हो चुका है, ठीक है। तो आप इसे कहीं भी चाहें तो वहाँ पे लगा सकते हैं। अब जैसा कि आपको याद होगा, इस वेबसाइट के ऊपर एक पेड कोर्सेज भी है। देखिए मैं आपको होम पे दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए वेबसाइट डेवलपमेंट देख रहे हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स पेड कोर्स है, जिसमें आपको मंथली फ़ीस देनी होती है 500 रुपीज़, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी बोला था कि इस कोर्स को मैं आपको फ्री में भी दिलवा सकता हूँ, या फिर आप इसे फ्री में भी कर सकते हैं। अब आप इस पेड कोर्स को फ्री में कैसे करेंगे, जरा उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे वापस से प्रोफाइल में जाना है इस कोर्स को करने के लिए फ्री में। तो यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए आपको एक इस तरीके से मैसेज मिलेगा, गेट 6,000 रुपीज़ डिप्लोमा फ्री, ठीक है। और यहाँ लिखा है रेफ़र योर 100 फ्रेंड्स, मतलब कि अगर आप अपने दोस्तों में 100 दोस्तों में इस वेबसाइट के बारे में बताते हो और उनका रजिस्ट्रेशन करवाते हो, ठीक है, मतलब उनको फ्री में कोर्स करवाते हो इस वेबसाइट से किसी भी 100 दोस्तों को, तो जा कर के आपको वह प्रीमियम कोर्स फ्री में मिल जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा है ना, अपने दोस्त को रेफ़र करने के लिए आपको अपने दोस्त को वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और रजिस्टर करवाते समय आपको अपना ईमेल आईडी फॉर्म के रेफ़र ईमेल में लिखवाना होगा, तभी जा कर के ही आपका एक रेफरल काउंट होगा। और आप अपने जितने भी दोस्तों को रेफ़र करेंगे उनकी जो लिस्ट है वो आपको यहाँ पे साइड में दिखती जाएगी, ठीक है। और रेफ़र कैसे करना है फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी, सिंपली आपने क्या करना है, अपने दोस्त को रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त उसके रेफ़र ईमेल में डालना है, ठीक है। कैसे, जैसे मैं दिखाता हूँ, लॉगआउट इससे पहले मैं करता हूँ यहाँ पे और रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप समझ लीजिए कि आप अपने दोस्त को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, और यहाँ देखिए नीचे एक ऑप्शन था ना रेफ़र ईमेल आईडी वाला, तो यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। बस इतना करने से क्या होगा, उसका नाम आपके रेफ़र में आ जाएगा। तो जैसे ही 100 रेफ़र आपके कंप्लीट होते हैं, वैसे ही आपको एक हमें ईमेल करना होगा। यहाँ पे देख लीजिए ईमेल आईडी आपको दिख जाएगा कॉन्टैक्ट के अंदर, ठीक है। देखिए मैं कॉन्टैक्ट पे जाता हूँ और यहाँ देखिए ये रहा ईमेल आईडी, सिंपली इस पे ईमेल कर दीजिएगा, हमें एक बार बता दीजिएगा तो हम आपका रेफ़र एक बार चेक करेंगे कि आपने सही में मतलब रेफ़र किया है, 100 कंप्लीट हो गए हैं कि नहीं, कोई फेक ईमेल आईडी तो नहीं है। तो ये सब चीज़ चेक करने के बाद हम आपको क्या करेंगे, जो वेब डेवलपमेंट वाला कोर्स है वह फ्री में प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ अब आपके जितने भी डाउट्स थे सब कुछ क्लियर हो गए होंगे। बाय द वे, अगर कोई डाउट वगैरह रह गया हो तो, और कोई क्वेश्चन अगर आपने हमसे अगर पूछना हो तो आपके लिए कमेंट बॉक्स यहाँ पे दिया ही गया है। बाकी आप हमें यहाँ से मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं यहाँ से भी, और हमसे लाइव चैट करना है तो यहाँ से भी लाइव चैट कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं देख लूँगा कमेंट को ही और कमेंट में ही आपको आंसर दे दूँगा, ठीक है। सो फिर से एक बार आपसे कह रहा हूँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा ताकि वह भी फ्री में कंप्यूटर कोर्स सीख सके और आगे चल के बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब कर सके, या फिर आपको पता है इन सब कोर्सेज को करने के बाद आप खुद का अपना बिजनेस भी खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो जाइए अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा ये वीडियो लाइक नहीं किया है तो सिंपली इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।